अनुमति होगी। हॉल के अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। हाथ साफ करने और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था भी होगी। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने की सलाह दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। टिकट खिड़की पर कतार में दूरी का पालन कराने के लिए जमीन पर मार्किंग होगी। दर्शकों को स्वास्थ्य का निजी निरीक्षण और तबीयत खराब होने पर सूचित करना होगा। अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग शो टाइम होंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। टिकट खिड़की सहित अन्य स्थानों का नियमित निसंक्रमण और सफाई होगी। टिकट खिड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। माध्यांतर के बीच लोगों के अनावश्यक घूमने पर रोक होगी। दिन भर खुली रहेंगी टिकट खिड़की। भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था होगी। थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सिर्फ डब्बा बंद खाने पीने की वस्तुओं की अनुमति ही होगी। हॉल के अंदर नहीं होगी खाने की डिलीवरी। खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने और पीपी किट होगी अनिवार्य। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सभी दर्शकों का कॉन्टैक्ट नंबर लेना भी अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित गलत व्यवहारों से सख्ती से निपटा जाएगा। हॉल के एसी का साथ भी कहा गया कि अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी इसके तहत जरूरी होगा। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने की सलाह दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी और बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। टिकट खिड़की पर कतार में दूरी का पालन कराने के लिए जमीन पर मार्किंग की जाएगी। स्वास्थ्य का निजी निरीक्षण करें और तबीयत खराब होने पर सूचित करने के भी आदेश दिए गए हैं। अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग शो टाइम रखने की बात की गई है। तो वहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों का संपर्क एक दूसरे से कम हो सके। टिकट खिड़की सहित अन्य स्थानों को नियमित निसंक्रमण और सफाई करने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। टिकट खिड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता हो इस बात को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मध्यांतर के बीच लोगों के अनावश्यक घूमने पर रोक होगी। दिन भर खुली रहेगी टिकट खिड़की। भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था पर जोर देने की बात की गई। थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके बिना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सिर्फ डब्बा बंद खाने पीने की वस्तुओं की अनुमति होगी। हॉल के अंदर नहीं होगी खाने की डिलीवरी। एक तरीके से डब्बा बंद खाने की ही अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रकार के खाने की डिलीवरी नहीं होगी। खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था की जाएगी। सिनेमा हॉल के कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने, पीपीई किट समेत अन्य वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सभी दर्शकों को कॉन्टैक्ट नंबर लेना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित गलत व्यवहारों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हॉल के अंदर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। फिल्म शुरू होने के पहले, मध्यांतर और समाप्त के समय मास्क पहनने संबंधित एक फिल्म दिखाई जाएगी। हिंदी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने को लेकर इलाज से बेहतर रोकथाम पर है कुछ उपायों को बताते हुए आयुष मंत्रालय ने सलाह दी है कि दिन भर गर्म पानी पिएं, कम से कम 30 मिनट तक योग का अभ्यास करें, प्राणायाम और ध्यान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन पकाने के समय इसमें हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसालों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही गर्म ताजा बना खाना ही खाएं। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वो कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है। जो डायबिटीज के रोगी हैं, उन्हें बिना शुगर वाला च्यवनप्राश खाने की सलाह दी गई है। आयुष मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि दिन में एक या दो बार हर्बल चाय पिएं या तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और किशमिश का काढ़ा पीने और 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीने की सलाह दी गई है। वहीं सुबह शाम अपने दोनों नथुनों में तिल या नारियल का तेल या घी लगाएं।
सूखी खांसी के लिए दिन में एक बार पुदीने की ताजा पत्ती या अजवाइन के साथ भाप लेने के बारे में भी बताया गया है, तो वहीं खांसी या गले में खराश होने पर दिन में 2-3 बार प्राकृतिक शक्कर या शहद के साथ लौंग का पाउडर लेने की सलाह दी गई है। एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव के लिए ये रिकमेंडेशन है, गुडुची घनवटी अगेन, गुडुची हम जिसको गिलोय बोलते हैं, सनसमनी वटी या गुडुची पिपली, इसको या आयुष 64, माइल्ड कोविड पॉजिटिव हो तो